नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर और मैं हूं लखन शर्मा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से मोबाइल की सहायता से बिना ई मित्र पर गए एक जनाधार कार्ड से दूसरे जनाधार कार्ड में हम हमारे नाम को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम में SSO लॉगिन कर लेना है। SSO में आप अपनी सिटीजन लॉगिन से या अपने गवर्नमेंट की जो आईडी है, एम्प्लॉय आईडी वाला जो लॉगिन है आपका SSO लॉगिन, वो आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको RGHS का जो ऐप दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अगर आपको RGHS का ऐप दिखाई नहीं देता है तो आप सर्च ऑप्शन से सर्च करें और सर्च करने के बाद में आपको RGHS पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप RGHS पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको पुनः दिखाई देगा। इसमें आपको सेंड एनीवे पे क्लिक करना है। सेंड एनीवे पे क्लिक करने के बाद में अब आपको राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की जो स्कीम है उसका एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। इसको आप क्रॉस करें। क्रॉस करने के बाद में अब आपको रजिस्टर एज सर्विंग ऑफिसर्स एम्प्लॉय दिखाई देगा अगर आपने गवर्नमेंट की SSO आईडी से लॉगिन किया है। अगर आप अपनी सिटीजन SSO आईडी से लॉगिन करते हैं तो इसकी जगह आपको पेंशनर और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स या फैमिली पेंशनर कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं। आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको एक मैसेज दिखाई देगा, डू यू हैव जनाधार आईडी, जनाधार एनरोलमेंट आईडी। इसमें आपको नो करना है। नो करते ही अब आपको नीचे मैसेज आएगा, इफ यू डू नॉट हैव जनाधार आईडी क्लिक हियर। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको जनाधार का जो वेब पोर्टल है उस पर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें अब आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एनरोलमेंट, इसमें आप एनरोलमेंट पे क्लिक करें। अब इनमें से आपको ट्रांसफर फैमिली का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफर फैमिली पर क्लिक करने के बाद में अब कुछ इस तरीके का मैसेज हमें दिखाई देगा। इसमें लिखा होगा ट्रांसफर मेंबर, रसीद संख्या खोजें, रसीद संख्या खोजें। इनमें सामने स्टार लगा हुआ है, रेड स्टार, इससे तात्पर्य कि दोनों की हमें जो रसीद संख्या है वो भरना कंपलसरी है। ऊपर वाले में लिखा हुआ है जिस परिवार से स्थानांतरण होना है, यानी कि जिस परिवार से नाम का ट्रांसफर होना है उसकी रसीद संख्या ऊपर भरनी है और जिस में होना है उसकी रसीद संख्या नीचे भरनी है। दोनों की रसीद संख्या भरने के बाद में हमें खोजे बटन पे क्लिक कर देना है। खोजे बटन पे क्लिक करने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंसेंट। इसमें आप इसे नीचे स्क्रॉल करें और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे जिस परिवार से सदस्य का ट्रांसफर होना है उस परिवार के सभी सदस्यों के नाम आपको दिखाई देंगे, उनके जो डिटेल है वो आपको दिखाई देगी। अब आपको किसी एक का सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको EKYC आधार या EKYC जनाधार का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके पास में इस बात का ध्यान रखें, अगर जनाधार में जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर में से कोई नंबर आपके पास है और उस पर OTP जो जाएगा वो आप सबमिट कर सकते हैं, तो आपको उस नाम के सामने टिक करना है और EKYC जनाधार पे क्लिक कर देना है। अगर आपके जनाधार कार्ड में कोई भी नंबर ऐड नहीं है किसी भी सदस्य का, तो आपको किसी एक सदस्य का नाम के सामने सेलेक्ट करना है जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड हो, उसका आप ध्यान रखें और EKYC आधार पे आपको क्लिक कर देना है। उनके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको फिल करना है। दोस्तों मैंने इसमें EKYC जन आधार के माध्यम से किया है, OTP सबमिट करी है और OTP सबमिट करने के बाद में वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे अब हमारे जो परिवार के जो सभी जो नाम है वो हमें दिखाई देंगे। जिस परिवार से स्थानांतरण होना है उसका क्रमांक हमें दिखाई देगा। इससे नीचे लिखा हुआ है परिवार या सदस्य स्थानांतरण में से चयन करें। अब इसमें आपको सदस्य स्थानांतरण दिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, सदस्य स्थानांतरण, परिवार स्थानांतरण और मुखिया स्थानांतरण। इससे तात्पर्य है कि अगर आपको पूरी फैमिली है वो किसी दूसरे जनाधार कार्ड में ट्रांसफ़र करनी है तो आपको परिवार ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अगर आपको किसी एक सदस्य का स्थानांतरण करना है, दो सदस्यों का स्थानांतरण करना है तो आप अपने सदस्य स्थानांतरण से करें। अगर आपको मुखिया का स्थानांतरण करना है तो आप मुखिया स्थानांतरण पे क्लिक करें और इनमें से क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल में अब आपको जो सभी नाम है वो दिखाई देंगे। मुखिया का जो नाम है उसके सामने सोम लिखा होगा, उसके बाद में जो सभी नाम है उनके नाम के सामने मुखिया से परिवार, उन सभी नाम के सामने परिवार के मुखिया से संबंध का चयन करना है और चयन करने के बाद में जिस नाम का आपको ट्रांसफ़र करना है उस नाम के सामने टिक कर देना है। नाम पे टिक करने के बाद में परिवार के मुखिया से जो संबंध है उसमें क्लिक करें। नाम पे क्लिक करने के बाद में अब नीचे लिखा हुआ है ऐड रिमार्क्स,
500 लेंथ लिमिट। इसमें आपको रिमार्क लिखना है कि किस कारण से हम नाम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कारण का चयन करना है, चूज फाइल करनी है, और चूज फाइल करने के बाद में हमें स्थानांतरण जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन इससे नीचे जिस परिवार में स्थानांतरण होना है उसकी जो परिवार की जो सभी डिटेल है वो भी आपको इसमें दिखाई देगी। जो भी आपको नाम है वो सभी उस परिवार के भी दिखाई देंगे जिस परिवार में हम स्थानांतरण कर रहे हैं। अब इसमें हमें रिमार्क लिखना है, इसमें जो हमारा कारण हो सकता है कि जिस कारण से हमें नाम का ट्रांसफ़र करना है वो कारण लिखें, कारण का चयन करें। कारण के चयन में आपको शादी और अन्य दिखेगा। अगर शादी आपका कारण है तो आप शादी पे टिक करें। चूज फाइल में आपको मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आपका ये साबित होता हो कि संबंधित जो हमारा सदस्य है उसका हमें नाम ट्रांसफ़र करना है, जिसका कारण उस डॉक्यूमेंट में स्पष्ट दिखाई देता हो, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें। लेकिन PDF फाइल में ही आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रिमार्क लिख देना है और स्थानांतरण बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैंने लिख दिया है, शादी होने के कारण नाम का ससुराल में स्थानांतरण किया जाना है, मैरिज सर्टिफिकेट संलग्न है, नाम ट्रांसफर करने की कृपा करें, कारण में शादी का चयन करा है, चूज फाइल में मैरिज सर्टिफिकेट की PDF कॉपी अपलोड कर दी है, उसके बाद में स्थानांतरण करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्थानांतरण पे क्लिक करेंगे अब इसमें पूछा जाएगा ट्रांसफरिंग मेंबर, इसमें ओके बटन पे क्लिक करें। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने एक और पॉपअप विंडो दिखाई देगी, उसमें लिखा हुआ है चयन किए सदस्य स्थानांतरण कर दिए जाएंगे, क्या आप सुनिश्चित करते हैं। इसमें आप ओके बटन क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद में सदस्य प्रथम स्तरीय सत्यापन के लिए भेज दिया गया है। अब आपका जो फर्स्ट वेरिफिकेशन है वो आपके जो पंचायत है, पंचायत से आपका वेरिफिकेशन होगा। इस प्रक्रिया से आप अपने जनाधार कार्ड में बिना ई मित्र पर गए अपने मोबाइल की सहायता से फ्री में नाम का अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना किसी असुविधा के। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपके कोई सुझाव हो, अगर आपके कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।